हेलो, मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है क्लास थर्ड का कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट। इसके पहले चैप्टर फर्स्ट का कुछ पार्ट्स, एक फर्स्ट पार्ट में मैंने आधा चैप्टर कंप्लीट किया है और उसके बाद का हाफ चैप्टर में इस पार्ट में कंप्लीट करूँगी। ठीक है, आज आप लोग का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और डेली आप लोगों को आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, डेली आपको कोई ना कोई लेक्चर मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। कंप्यूटर इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मशीन, कंप्यूटर एक साधारण मशीन नहीं है, कंप्यूटर सिर्फ एक साधारण मशीन नहीं है। इट हैज़ मेनी फीचर्स विच मेक इट सो स्पेशल सच एज, इसमें कई सारे फीचर्स हैं, इसके कई सारी क्वालिटी है जो इसे स्पेशल बनाती है। वो क्या है? सबसे पहले है स्पीड। कंप्यूटर वर्क एट वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड में काम करते हैं, बहुत ही तेज काम करते हैं। इट कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को एक सेकंड में कर सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर है एक्यूरेसी, कंप्यूटर सॉल्व्स द प्रॉब्लम विथ 100% एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। इट मीन्स दैट इट वर्क्स वेरी क्विकली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर कोई भी काम बहुत ही जल्दी करता है और बिना मिस्टेक के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिलीजेंस, यानी डिलीजेंस का ऐसे हिंदी मीनिंग तो परिश्रम होता है, स्ट्रगल मतलब कंप्यूटर कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो देखते हैं। कंप्यूटर इज़ अ टायरलेस मशीन, कंप्यूटर क्या है? टायरलेस मशीन है, कंप्यूटर को थकान नहीं होती है। ठीक है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स इट कैन वर्क विथ सेम एफिशिएंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। ह्यूमन के बिल्कुल अपोजिट है कंप्यूटर। ठीक है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन से बिल्कुल अपोजिट है। ह्यूमन क्या है? कुछ टाइम काम करेंगे, कुछ आवर काम करेंगे, थक जाते हैं। ह्यूमन यानी मानव, ठीक है, मानव कुछ टाइम तक काम करते हैं और थक जाते हैं, या फिर एक ही काम अगर इंसान को बार बार करना पड़े तो उसे बोरिंग होता है, बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, लेकिन इट कैन वर्क विथ सेम एफिशिएंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो कंप्यूटर है वो सेम एफिशिएंसी मतलब एक ही स्पीड से एक ही क्षमता के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक काम कर सकता है और विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड, बिना थके बिना बोर हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी। द बेस्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर इट्स लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर का सबसे बेस्ट थिंग क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कंप्यूटर में? इसकी मेमोरी बहुत ही लार्ज होती है, बहुत ही बड़ी होती है। बहुत ही बड़ी होती है का मतलब मेमोरी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मेमोरी कार्ड है अगर वो 4GB 8GB का है तो वो बहुत बड़ा है, 4GB का है तो कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेयर इट स्टोर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रिट्राइव क्विकली एंड ईजली वेन नीडेड, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, डेटा को। दैट कैन बी रिट्राइव क्विकली, रिट्राइव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिट्राइव का मतलब होता है डेटा को वापस प्राप्त करना। अगर कोई डेटा गलती से डिलीट हो जाता है, ठीक है, या रिमूव हो जाता है तो उसे हम वापस कंप्यूटर में पा सकते हैं। ठीक है, एंड ईजली वेन, जब भी हमें आवश्यकता हो बहुत ही आसानी से डेटा को वापस ले सकते हैं। अब है उसकी वर्सेटिलिटी, यानी वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है? बहुमुखी प्रतिभा। अ कंप्यूटर इज़ अ मल्टीपर्पज मशीन दैट परफॉर्म्स अ वराइटी ऑफ टास्क एंड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ मशीन है। मल्टीपर्पज़ का मतलब बच्चों क्या होता है कि एक कंप्यूटर कई तरीके के काम कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर पे गेम खेलने से लेके इन्फॉर्मेशन से लेके डेटा से ले, हम गेम भी खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, डेटा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। कंप्यूटर हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है, स्कूल में भी यूज़ होता है, ऑफिसेज में भी यूज़ होता है, घर पे भी यूज़ होता है। तो क्या हुआ, ये मल्टीपर्पज़ का मतलब यही होता है। ठीक है,
दैट परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ टास्क इन इस ऑलमोस्ट फील्ड, मतलब लगभग सभी जगह पे कंप्यूटर आपको देखने के मिलेगा आज के टाइम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कुछ लिमिट होगी, ठीक है, वो क्या क्या है। इट इज़ डम मशीन, एग्जाम्पल इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर क्या है, एक डम मशीन है, ये कोई भी काम खुद से नहीं कर सकती। इफ़ नो कमांड इज़ गिवन, अगर कंप्यूटर को कोई कमांड नहीं दिया जाता है तो कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसे बोला जा रहा है डम मशीन। सेकेंड पॉइंट क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हम लोग क्या है, अपना डिसीजन खुद लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, कंप्यूटर खुद से दिमाग नहीं लगाता। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर अनलाइक ह्यूमंस कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस। कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन के विपरीत है, अनलाइक मतलब मानव के विपरीत है। कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस से कंप्यूटर नहीं सीखता। कंप्यूटर को ओनली जो डेटा दिया जाता है उस पर वर्क करता है, और ह्यूमन क्या है, हम पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपना प्रेजेंट अच्छा करते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में अगर किसी क्लास में एक दिन पहले अगर आप किसी सब्जेक्ट को, किसी क्वेश्चन को लर्न करने के लिए अगर आपको डांट पड़ी, तो फिर नेक्स्ट डे आप उससे सीखते हो, आप और अच्छे से पढ़ के जाते हो, सारी चीज़ों को लर्न करके जाते हो कि आपको डांट ना पड़े, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को ये एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती, ठीक है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी बिजली पे वर्क करता है। कंप्यूटर वर्क्स ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, कंप्यूटर तभी काम कर सकता है जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, यानी जब बिजली अवेलेबल हो कंप्यूटर केवल तभी काम कर सकता है, ठीक है, हमारी तरह ऑल टाइम काम नहीं कर सकता। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर की लिमिट क्या क्या है वो बताया गया, ठीक है। लिमिट मतलब वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है, लिमिटलेस नहीं है। आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, अब हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं। बेस्ड ऑन देयर वर्किंग कैपेबिलिटीज़ कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, कंप्यूटर को कैटेगराइज यानी कई भागों में डिवाइड किया गया है, कई पार्ट में बांटा गया है, वो किस बेस पे, वर्किंग कैपेबिलिटी, जो जिसकी वर्क करने की क्षमता जैसी है उसको उस कैटेगरी में रखा गया है, किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर्स, दूसरा है मिनी कंप्यूटर्स, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, चौथा है सुपर कंप्यूटर्स। ये चार कैटेगरी है कंप्यूटर की। सबसे पहले पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर्स क्या है। These are general purpose computers used in schools, offices, shops, etc. माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, एक जनरल, एक सामान्य कंप्यूटर है जिसको यूज़ हम कर स्कूल में भी करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, शॉप पे भी करते हैं, हर जगह, ठीक है। दे आर स्मॉलर इन साइज एंड यूज टू डू मल्टीपर्पज़ जॉब्स। ये क्या होता है, साइज़ इसकी छोटी होती है, साइज़ कम होती है इसकी, और इससे हम कई तरीके का काम कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ जॉब्स, ठीक है, यानी कई तरीके का काम। मल्टीपर्पज़ का मतलब मैंने ऊपर बताया ना, एक कंप्यूटर कई तरीके का काम कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा है आपका मिनी कंप्यूटर्स, इसके बारे में जानते हैं। दीज आर मोर कैपेबल मशीन एंड आर यूज टू हैंडल मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जॉब्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बैंक्स, रेलवे एट्सेट्रा। मिनी कंप्यूटर्स क्या है, ज़्यादा कैपेबल, बहुत इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसके वर्क करने की क्षमता ज़्यादा है, इसकी मेमोरी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये हैंडल कर सकता है मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जॉब्स, बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स जॉब होती है, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है डेटा, हार्ड होता है, जटिल होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये हैंडल कर सकती हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक में आपका कंप्लीट कैलकुलेशंस होता है, डेटा होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब है ये। रेलवे हो गया आपका, एट्सेट्रा, ठीक है। देयर वर्किंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज मच मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर ऊपर हम पढ़े हैं, इसका यूज़ क्या होता है, सामान्य पर्पज़ के लिए, सामान्य काम के लिए होता है। इसकी स्टोरेज भी कम होती है, उतनी नहीं होती है, वर्किंग स्पीड भी कम होती है, लेकिन मिनी कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड बहुत हाई होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, ठीक।
ठीक है। अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी क्या है। ये है, देख लीजिए एक बार आप लोग पिक्चर देख लीजिए, ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम पीसी भी कहते हैं, ठीक है, घर पे भी यूज़ होता है। ये है आपका मिनी कंप्यूटर, ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, और ये है आपका सुपर कंप्यूटर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका सुपर कंप्यूटर। चलिए अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? दीज मशीन्स आर इवन मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स एंड आर मेनली यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। ये जो मशीन है, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मिनी कंप्यूटर से, ठीक है। मेनली यूज टू प्रोवाइड सर्विसेज, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज किया जाता है सर्विस प्रोवाइड करने में, बड़ी संख्या में, ये भी नहीं कि छोटी, बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है ये, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज, साइंटिफिक रिसर्च पर्पज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे बड़ा, किससे ज़्यादा कैपेबल होता है? मिनी कंप्यूटर से, और मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से। अब लास्ट है आपका और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स एंड आर वेरी एक्सपेंसिव टू। ये जो कंप्यूटर्स हैं, यानी जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। शक्तिशाली का सेंस यहाँ पे फाइटिंग करने से नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इनकी स्टोरेज क्षमता, इनकी स्पीड, इनका वर्किंग पावर, सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई है एंड वेरी एक्सपेंसिव टू। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चीले भी हैं, ठीक है, महंगे भी हैं। दीज आर जनरली यूज फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स जॉब्स लाइक वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट और मिसाइल कंट्रोल्स ऑपरेशंस। ये जो कंप्यूटर है, यानी जो सुपर कंप्यूटर है, उनका जो यूज़ किया जाता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब की, बहुत ही टफ काम जो होता है उसके लिए, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका मोबाइल में भी आजकल, टीवी पे भी आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिलता है ना, आज मौसम विभाग की जानकारी, यहाँ पे इतनी बारिश होने वाली है, यहाँ पे वेदर साफ रहने वाला है, यहाँ पे तूफान आने वाला है, ये सारा जो मौसम के बारे में जो जानकारी मिलती है वही होता है आपका वेदर फॉरकास्टिंग। सैटेलाइट और मिसाइल के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल, ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे काम से होता है, उनका जो वर्क है, उनकी जो एक्टिविटी है, उसको कंट्रोल करता है कौन? सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। परम 10,000, परम युवा एटसेट्रा आर द सुपर कंप्यूटर्स डिजाइंड बाय इंडिया। परम 10,000 और परम युवा, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर्स हैं जिसे इंडिया में बनाया, इंडिया ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। भारत के सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 10,000 और परम युवा। आइए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या फैक्ट है। परम 8,000 इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। याद रखना आप लोग, परम 8,000 इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। कौन सा? परम 8,000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज आप लोग का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर टू के साथ आपसे मिलेंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, लेक्चर एक से दो बार वॉच कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बी हैप्पी, बी सेफ, स्टे ब्लेस, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय।